नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्याणी। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे टेस्टी स्पेशल पनीर के सब्जी। तो आइए चलते हैं रसोई में। तो सबसे पहले हम लेंगे पनीर में जमाने के लिए कुछ सामग्री। हम दूध को फाड़ लेंगे पनीर बनाने के लिए। थोड़ी सी लेंगे हम हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इसे हम दूध फाड़ते समय डाल देंगे तो पनीर में जम जाएगा। ये पनीर एक स्पेशल ढंग से बना रहे हैं, आप लोग जरूर देखें। गिलास में लेंगे थोड़ा सा विनेगर और गिलास पानी से भर देंगे। दूध खौल गया है, गैस का फ्लेम हमने धीम कर दिया है। दोस्तों ये गाय का दूध है और घर का दूध है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम जीरा, उसके बाद से चिली फ्लेक्स, उसके बाद हरी मिर्च और हरी धनिया। ये सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी में मिला हुआ विनेगर, तो इसे हम धीरे धीरे करके चलाएंगे और धीरे धीरे डालते रहेंगे विनेगर वाला पानी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो गया है। देखिए दूध फट गया तो पनीर बनने के लिए तैयार हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से दूध फट गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल के ऊपर जाली रखेंगे, जाली के ऊपर एक सूती कपड़ा रखेंगे, उसमें हम डालेंगे फटे हुए दूध को। तो ये जो आप लोगों को इसमें जीरा धनिया मिर्ची ये सब दिख रहा है ना, जमने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना और बहुत अच्छी स्वाद भी आता है। तो इस तरीके से हम पनीर को जमा लेंगे। तो इस पर हम कुछ भार भी रख देंगे, एक थाली रखेंगे, उसके ऊपर ये अदरक कूटने वाला रख देंगे। तो पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। हम प्याज को काट लेते हैं, टमाटर हमने काट लिया है। प्याज टमाटर रफली काटना है तो हम प्याज को जल्दी जल्दी काट लेंगे और हरी मिर्च भी रख लेंगे और अदरक भी दो टुकड़ा ले लेंगे। तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हो गया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे और सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा। जीरा के बाद हम डाल देंगे ये सारी सब्जियां जो काट कर रखे हैं, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक और टमाटर, ये सारी चीज़ें एक साथ हम डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी के लिए इसे हमें पकाना है, ग्रेवी बनाना है। तो इस तरीके से हम इसमें डालकर और चला देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे गलने के लिए, थोड़ी सी हल्दी और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काजू ग्रेवी में अच्छे स्वाद आने के लिए। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा ढक दे रहे हैं। ये पनीर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्ट भी इसका अलग होता है। दोस्तों रेस्टोरेंट में ना बहुत महंगा मिलता है ये। इस तरीके का पनीर मांगेंगे आप लोग या पनीर की सब्जी मांगेंगे तो महंगा मिलता है। तो इस पनीर को हम टुकड़ों में काट लेंगे, सभी को अच्छे से हम काट लेंगे। और इधर देखते हैं ग्रेवी के लिए सब्जियां पकी हैं या नहीं। तो दोस्तों सब्जियां पक गई हैं तो इसे हम गैस बंद करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। सारी सब्जियों को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे, फैलाकर पंखे में रख देंगे ठंडा हो जाए। सब्जियां ठंडी हो गई हैं ग्रेवी के लिए तो इसे हम ग्लेंडर में पीस लेंगे। तो इसे हम पीस लेंगे दोस्तों, पीस लिया है। तो देखिए कितनी अच्छे से ग्रेवी के लिए पीस गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में, कढ़ाई में डाल देंगे सरसों तेल
तो देखिए हमने तेल को डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा और दो लौंग और डाल देंगे दो तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे 5-6-7 होगा काली मिर्च और एक बड़ी इलायची वो कचरी बना रहे और एक छोटी इलायची इतना का हम तड़का लगा देंगे। इसमें डाल देंगे एक प्याज कटा हुआ और आप लोग सोचेंगे कि ग्रेवी में भी ये प्याज डाली है और तड़का में जो प्याज डालेंगे इससे सौंधापन आएगा। और ये है पनीर मसाला, तो इसे हम घोल बनाकर और प्याज हो चुका है लाल तो इसमें हम डाल देंगे और चलाएंगे तो देखिए प्याज का अता पता नहीं है, प्याज घुल गया। और इसमें डाल देंगे पीसी हुई ग्रेवी, तो देखिए अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और ये पानी थोड़ा सा डाल देंगे तो इसे हम अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक, पहले भी हमने सब्जियों में नमक डाला था उसको ध्यान में रखते हुए नमक डालेंगे और ग्रेवी को हम ढक देंगे, फिर देखेंगे। देखिए ग्रेवी को खोलते हैं और देखते हैं ग्रेवी अच्छे से पक गई है। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ पनीर, तो सारे पनीर को हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाकर चला देंगे, अच्छे से चला देंगे और ढक देंगे। इधर हम सब्जी को देख लेते हैं सब्जी बन गई है या नहीं, तो सब्जी बड़े अच्छे से बन गई है, पक गई है और इसकी ग्रेवी भी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम गैस को बंद करेंगे और सब्जी को चूल्हे से नीचे उतार देंगे और बारीक कटी हुई धनिया इसमें डाल देंगे, तो धनिया हमने डाल दिया है। तो पनीर की सब्जी तैयार है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।